CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटाए जाने के बाद से पाक की तरफ से समझौता एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। आज अमृतसर से ननकाना साहिब समझौता बस को भी पाकिस्तान ने बंद कर दिया है, लेकिन अभी अमृतसर में बस के सुरक्षा अधिकारियों को इसके आदेश नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी कोई ऊपर से आदेश तो नहीं आया है, लेकिन दो दिन से कोई भी यात्री बस में सवार होकर नहीं गया है। आज पाकिस्तान की बस को इधर से रवाना किया है, इस बस को कोई भी सवारी नहीं मिली, इसलिए इस बस को खाली ही अमृतसर से रवाना कर दिया गया है। भारत पाक रिश्तों का असर इस पर भी नजर आ रहा है। वहीं शिवसेना बाला साहेब ठाकरे अमृतसर के प्रधान राजेंद्र सहदेव ने कहा कि हमें सभी समझौते जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किए हैं उन्हें अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी बार भी हमें इन्हें गले लगाया है उतनी बार ही इन्होंने हमारी पीठ पर छुरा ही मारा है। जो हम इन्हें 14 अगस्त व 15 अगस्त को मिठाई का आदान प्रदान करते हैं वह सभी हमको बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है हम सभी उनका स्वागत करते हैं। नहीं कोई सवारी नहीं किया थी। नहीं अजी कोई कोई आर्डर नहीं आया बंद करने, जो आर्डर आऊगा वो तो बंद कर देंगे। ये पाकिस्तान की बस सी, कल दी आई सी, इसका ड्राइवर तो बस साड़ी कस्टडी दे विच दा। ड्राइवर का नाम अजमल मोहम्मद अजमल। मैं रजिंदर सहदेव श्री बाला साहब ठाकरे शिवसेना से अमृतसर से अध्यक्ष हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो बस गई है अभी अभी, ये बस नहीं जानी चाहिए, ये बस बंद होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को सारे समझौते बंद कर देने चाहिए, जो कि मोदी जी ने 370 और 35 ए ख़त्म करके अपना एक बता दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुंह पे जो चपेट मारी है उसी तरह एक और थप्पड़ पाकिस्तान के मुँह पर मारना चाहिए, व्यापार बंद करके और जो पाकिस्तान की बसें बंद करके और ट्रेनें बंद करके सारे समझौते हमारे प्रधानमंत्री को बंद कर देने चाहिए।